नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ई वाई फाई ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी भर्ती से संबंधित इसमें बात करने वाले हैं, राजस्थान एलडीसी का पदों पर वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपके 15,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आनी है। राजस्थान एलडीसी का जो उसके अंदर 15,000 आपकी वैकेंसी आनी है एलडीसी के अंतर्गत, आप ध्यान रखें, जिसमें आपके आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, मैं आपके लिए बता दूंगा। परीक्षा आपकी फरवरी में संभावित बताई गई है, आपकी परीक्षा फरवरी में आपसे कंडक्ट करवा ली जाएगी। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ, और साथ ही साथ इसमें राजस्थान पुलिस के 48 पदों के लिए भी इसमें कहा गया है कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत 48 पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी। तो लगभग आप मान सकते हैं राजस्थान पुलिस की 48,500 वैकेंसी और एलडीसी की 15,000 वैकेंसी बड़े पदों पर इसमें की जाएगी। इसमें जो 12वीं पास अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर आपके लिए दिया गया है, जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब इसमें आपके लिए जो एलडीसी की 12 से 15,000 के पदों के लिए आपकी वैकेंसी आपकी बताई जा रही है, जिसके अंदर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की जो आगामी बजट में एलडीसी के लिए 12 से 15,000 वैकेंसी को निकालने की संभावना आपकी बताई गई है, जिसमें कुछ अन्य भर्तियों समेत आपके प्रदेश में करीब 38,000 सरकारी पदों पर भर्ती होने का अनुमान है। लगभग आपकी 30,000 पदों पर आपकी वैकेंसियों को करवाई जाएगी, जिसमें से 15,000 वैकेंसी तो आपकी एलडीसी की है और लगभग 5,000 वैकेंसी आपकी राजस्थान पुलिस की इसमें बताई गई हैं। और इस बार समान पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से इसे करवाया जाएगा। जो आपको जो सीईटी नया लागू किया है राजस्थान के अंतर्गत, सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो है उसके माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। आपको सबसे पहले सीईटी देना होगा, उसके बाद आप एलडीसी के लिए जो सीईटी क्वालिफाई कर पाते हैं उसके बाद आप एलडीसी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये इसमें लागू कर दिया गया राजस्थान पुलिस के अंतर्गत, ये भी लागू कर दिया गया है। उसके साथ ही नोटिफिकेशन आपका जल्दी आपके अधिकारी वेबसाइट पर आने वाला है। आपके आवेदन शुल्क वगैरह ये सभी उसी टाइम आपको बताया जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि क्या रहता है। अब इसमें आपके देखते हैं 12 से 15,000, जिसमें आपकी जो 2018 में वैकेंसी निकली थी पिछली एलडीसी की भर्ती, जिसमें 11,255 पदों पर वैकेंसी को निकाला गया था, उसके बाद कोई भी एलडीसी की वैकेंसी नहीं निकली 2018 से। अब 2022 में एलडीसी भर्ती निकलने की 15,000 पदों पर निकलने की मैक्सिमम चांस आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आपकी एग्जाम से संबंधित बता दिया है कि फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाने की संभावना बताई जा रही है, तो आपका वैकेंसी आनी निश्चित है। और आप समय समय पर नोटिफिकेशन आप देखते रहें, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर भी जो भी नया अपडेट आता है, जैसे ही आपके लिए अपडेट कर दिया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर आपको बता दिया जाएगा। और इसमें एग्ज़ाम के बारे में यदि बताएं, तो एग्ज़ाम आपका जो फरवरी में आपको कंडक्ट करवाने के लिए कहा था, जो फरवरी में इसकी संभावित डेट आपकी बताई गई है एलडीसी के अंतर्गत फरवरी में, और राजस्थान पुलिस का भी कुछ बताया नहीं, फिर भी राजस्थान पुलिस वाले इसमें तैयारी में लगे रहे हैं। और एलडीसी वाले के लिए फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का कहा गया है। एग्ज़ाम आपका जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, उसे 2 से 3 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के मैक्सिमम चांस होते हैं, ज़्यादातर भर्तियों में राजस्थान की यही देखा जा रहा है। आपका नोटिफिकेशन आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एलडीसी के पदों पर वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी पदों पर वैकेंसी होने वाली है, उसमें फॉर्म भी काफ़ी इसमें अप्लाई होंगे। उसके साथ ही मैं आपके लिए बता दूं, जो आपका जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं नगर पालिका के जो फॉर्म हैं, वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं ऑफलाइन। जो विद्यार्थी इसमें भरना चाहते हैं उनके लगभग 25 से 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा, तो लगभग सभी जिलों का नगर पालिका का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका नोटिफिकेशन जो का जो पीडीएफ है वो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं गए हैं, तो टेलीग्राम चैनल के नाम से ही है, ई वाई फाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही ये चैनल का नाम है, आप वहां से ज्वाइन कर लें, और वहां पर सभी पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहती है। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके इस सेशन को शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।